हेलो क्लास. सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4, ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, एंड आई विल सेंड अ पीडीएफ ऑफ दिस चैप्टर टू इन ग्रुप. सो जस्ट डाउनलोड इट एंड रीड दिस चैप्टर केयरफुली. ओके, सो मैं आपको पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ कि CBSE ने क्या किया, आपका पैटर्न थोड़ा चेंज किया है. उन्होंने क्या किया, आपका जो रेगुलर आपका 30 मार्क्स का पेपर आने वाला था, राइट, जो आपका ये पोर्शन था, राइट, ये अब इंक्रीज हो चुका है. ओके, सो मीन्स अब ये कितने मार्क्स का बन चुका है, आपका 50 मार्क्स का. ओके, सो मीन्स ये जो आपका टोटल 30 था, अब ये बन चुका है प्लस 20 होके 50 मार्क्स का, और जो आपका ये प्रैक्टिकल पोर्शन था वो माइनस 20 होके 50 मार्क्स का बन चुका है. ओके, सो मीन्स अब आपका थियोरेटिकल पेपर भी 50 का होगा और प्रैक्टिकल भी आपका 50 का ही होगा. ओके, सो मार्क्स किस तरीके से इंक्रीज हुए हैं, आई विल जस्ट टेल यू. राइट नाउ आई एम जस्ट नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट मार्क्स. ओके, सो माइट बी इट्स वॉज 10, इट्स लाइक 10, इट्स ऑल्सो 10 एंड इट इज ऑफ 20. ओके, सो आई एम नॉट जस्ट कन्फर्म, बट आपका पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा. ओके, सो नाउ लेट्स जस्ट कंटिन्यू. सो ऑपरेटिंग सिस्टम, सो हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है. ओके, और वो मतलब वो हमारे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हेल्पफुल होता है. ओके, तो यहाँ पे आप फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, एन ऑपरेटिंग सिस्टम OS इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम दैट फर्स्ट लोडेड टू द कंप्यूटर व्हेन यू स्विच ऑन द सिस्टम. मीन्स जब आप सिस्टम स्विच ऑन करते हैं, जो सबसे पहले काम करता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है. मेन इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर. या आपके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस होता है. ओके, सो इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको ये डायग्राम समझना है. ये बहुत सिंपल है. लाइक क्या होता है, हार्डवेयर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन से, एंड यूजर मींस यूजर एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट करता है, एप्लीकेशन वर्क करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम दिखता है, देन हार्डवेयर की कैपेबिलिटी. ये इस तरीके से सीक्वेंस चलता है. ओके, ये सीक्वेंस क्या होता है, ये आपके शेल का सीक्वेंस होता है. ओके, दैट कर्नल, यू कैन सी दिस कर्नल मींस आपका इसके अंदर ये पूरा शेल है, जहाँ पे आपका क्या कर रहा है, ये कर्नल आपका OS की तरीके से काम कर रहा है. ओके, वी विल रीड अबाउट इट. ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, वो क्या क्या करना चाहता है. ओके, उसका मेन काम क्या होता है, मैनेज एंड शेयर. मीन्स आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको मैनेज करना, उनको शेयर करना. ये एक इंटरफेस देता है, हम पढ़ चुके हैं, बिटवीन यूजर टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सिस्टम. इट सेंड्स मैसेज टू ईच एप्लीकेशन एंड इंटरैक्ट यूजर. मीन्स यूजर जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है, हमने डायग्राम में देखा यहाँ पे यूजर एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट करता है, तो उस वो क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, उस चीज़ को फॉलो अप करना. टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी एंश्योरिंग दैट ऑथराइज्ड यूजर डू नॉट एक्सेस द सिस्टम. ये हम प्रीवियस चैप्टर पे पढ़ चुके हैं, अपने एप्लीकेशन बेस्ड अन एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम पे, सिस्टम बेस्ड में, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर में, कि लाइक वो सिक्योरिटी भी हैंडल करता है, राइट, कि भाई कोई अनऑथराइज एक्सेस मीन्स जो मेरे सिस्टम को एक्सेस नहीं करना चाहिए वो हार्मफुल हो सकता है उस केस में. ओके, सो नाउ देयर इज टू मेन डेफिनेशंस ऑफ 1-1 मार्क शेल. हैंडल्स द इंटरेक्शन विद द यूजर एंड कर्नल हैंडल्स द इंटरेक्शन विद हार्डवेयर. मींस जो ये शेल है वो क्या करता है, यूजर के साथ इंटरेक्ट करता है. ओके, एंड जो आपका कर्नल है वो हार्डवेयर के साथ, मींस यू कैन से योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज योर कर्नल. ओके, एंड योर एप्लीकेशन इज योर शेल. एप्लीकेशन यूजर के साथ इंटरेक्ट करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करता है, हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं. ओके, आपको इस तरीके से समझना होगा. ओके, सो नाउ सी वी विल रीड अबाउट शेल एंड कर्नल 1 by 1. एंड इंटरफेस टू ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड अ शेल. ठीक है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो कनेक्ट करता है वो आपका क्या होता है, शेल होता है. इट इज़ द आउटमोस्ट लेयर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मैनेज द इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. मीन्स ये वो लेयर है जो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस का काम करती है, ताकि वो इंटरेक्ट कर सके. ठीक है, क्योंकि फिर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करता है ना. सो ये क्या करता है, आउटपुट, इंटरप्रेटिंग आउटपुट एंड रिजल्ट देना. ओके, इनपुट और आउटपुट देने का काम करता है. ठीक है, मीन्स प्रमोटिंग यू फॉर द इनपुट, ताकि आप इनपुट दे सके, इंटरप्रेटिंग दैट इनपुट फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम, हैंडलिंग द रिजल्ट आउटपुट. मीन्स आप इनपुट देंगे और आउटपुट किस तरीके से आएगा, ये वो सारी चीज़ें क्या करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो शेल वाला एरिया है वो हैंडल करता है. ओके, दैट्स योर शेल. ओके,
or you can say a shell provides a way of communicate with the operating system either interactively or as a shell script. ओके मीन्स या तो इंटरेक्टिव वे में करेगा लाइक मैं पूछ रही हूँ बता रहे पूछ रही हूँ बता रही हूँ या फिर एक शेल वे में लाइक एक शेल जैसे ये है उस वे में बात करेगा. ओके नाउ नेक्स्ट इज योर कर्नल. व्हाट इज योर कर्नल? ओके नाउ सी यहाँ पे आपका डायग्राम बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है लाइक यूजर एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से. दिस इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज योर कर्नल एज आई टोल्ड यू. ठीक है देन आपका क्या आता है योर हार्डवेयर सीपीयू मेमोरी डिवाइसेस एटसेट्रा. सो ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है. ओके सो नाउ कर्नल इज द कॉम्पोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द डाटा प्रोसेसिंग बींग परफॉर्म्ड एट द हार्डवेयर लेवल. मीन्स जो प्रोग्राम होने वाला मीन्स हार्डवेयर में जो काम होगा उसके बीच में इंटरेक्शन का काम करता है ये. ठीक है सो ये मेरा क्या हुआ कर्नल हुआ मैंने आपको बोला पहले भी. ओके सो अब यहाँ पे क्या होता है when an operating system loads into the memory the kernel load first and remains in memory until the operating system is shut down. means जब आपका kernel तब तक काम करता रहता है जब तक कि आपके input output में सारा काम खत्म नहीं जाता. मतलब जब तक आपका system shut down नहीं होगा आपका operating system काम करता रहेगा क्योंकि आपका kernel ही तो operating system का काम कर रहा है ना. okay so अब इसके वही objectives होंगे. एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ना आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें रिपीट होते रहेंगे. मीन्स आपके इनपुट आउटपुट मैनेज करेगा मेमोरी को मैनेज करेगा प्रोसेस मैनेज करेगा डिवाइस मैनेजमेंट मीन्स हर तरीके के ड्राइवर्स. ओके सिस्टम कॉल्स जो भी मतलब जिस चीज़ को भी कॉल किया जा रहा है. सी अनदर डायग्राम यूज़र एप्लीकेशंस. ठीक है इनपुट आउटपुट ये आपका डायग्राम मीन्स क्या क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका. ओके आर यू गेटिंग दिस? मीन्स आपको ये मीन्स आपसे कुछ भी क्वेश्चन हो लाइक कि क्या काम करना है ये मेन पॉइंट्स हैं आपके. ठीक है यही छः पॉइंट्स के बारे में अब हम आगे पढ़ने वाले हैं. ओके नाउ देर इज मोनोटोनिकल कर्नल. ओके क्या लिखा हुआ है ऑल द बेसिक सिस्टम सर्विसेज लाइक प्रोसेसिंग मेमोरी मैनेजमेंट इनक्रिप्ट वी पैकेज इन टू अ सिंगल मॉड्यूल इज कॉल्ड कर्नल स्पेस. दिस टाइप ऑफ कर्नल वॉज कॉल्ड मोनो लॉथिक कर्नल. मीन्स जब ये सारा काम एक पैकेट के फॉर्म में हो जाता है लाइक इसमें एक ही इसमें हमने सबको क्रैप कर दिया और उसको हम क्या बोलते हैं मोनोलिथिक कर्नल. ओके सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अब वी हैव माइक्रो कर्नल विच कंटेन्स डिफरेंट मॉड्यूल्स. मीन्स यहाँ पे क्या हुआ एक ही मॉड्यूल में काम हो रहा है तो मेरा माइक्रोलिथिक हो गया लेकिन अगर हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो मेरा माइक्रो कर्नल हो जाता है. ठीक है नाउ अब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्यों थी नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके सो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका लाइक टू परफॉर्म सेट ऑफ गेम करेक्टर्स. मीन्स हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड ही क्यों है लाइक हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो मैं बाकी एप्लीकेशंस को ऑपरेट कैसे करूँगी राइट टू ऑपरेट अदर एप्लीकेशंस. ठीक है How many of you have played real-time strategy games on a computer like Sony PlayStation, Xbox? I guess almost everyone you have tried hands on these fancy gadgets, the game board, joystick, remotes, monitors. Okay, means आपने क्या किया हुआ है? Means जो आपके video games आते हैं लाइक अगर आपके पास अभी भी होंगे रिमोट्स के साथ हम खेलते हैं. मैंने आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में बताया था जॉयस्टिक क्या होता है लाइक जो वीडियो गेम्स के अंदर प्ले बटन के थ्रू ऐसे ऐसे करके मूव करते हैं लाइक दैट. ओके इन सब चीज़ों में तो उस केस के लिए हमें भी क्या नीड की पड़ती है उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड पड़ती है. ओके सो दिस इज काइंड ऑफ थिंग वाई वी नीड यू नीड एन इंटरफेस विच फील्स द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर. हमें इस गैप को फिल करने के लिए ओके ठीक है मुझे इस गैप को फिल करना है तो इस गैप को फिल करने के लिए मुझे किसकी नीड होती है एक ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है. ठीक है नाउ क्वेश्चन कहता है व्हाट टू डू व्हेन टू डू हाउ टू डू. ओके सो इट सीम व्हाट टू डू टू परफॉर्म अ सेट ऑफ मूव्स व्हेन देन रिक्वायर बटन्स एंड थ्रू पेपर कम्युनिकेशन विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो ये आपके आंसर है व्हेन टू डू व्हाट टू डू हाउ टू डू. ओके It's really simple, not that much complicated. Okay. Now let's move to next one. This another diagram is important. Always remember, आपके कहीं पे भी diagrams आएंगे वो important ही होंगे. Okay. Because diagrams से बहुत easily explain कर सकते हो चीज़ों को. Now functions of an operating system, as I told you, अब हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे functions of an
ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक वही है प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आपका देखो, आपने देखो जैसे इन्होंने डायग्राम के थ्रू दिखाया एक सिस्टम है, उसमें क्या होना चाहिए, एरर डिटेक्ट होना चाहिए, फाइल्स मैनेज होनी चाहिए, डिवाइसेस सारे ड्राइवर्स मैनेज होनी चाहिए, प्रोसेस होनी चाहिए अच्छे से, मेमोरी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, जॉब स्केड्यूल मीन्स आप क्या करने वाले वो सब स्केड्यूलिंग होनी चाहिए. सो आप क्या करते हैं, ये फंक्शनिंग लाइक देखा आपको पता है, अगर ये आपकी मैक्सिमम 10 मार्क्स की भी यूनिट है, सो इसमें से लेंथी क्वेश्चंस नहीं निकलने वाले. आपके मैक्सिमम अगर निकलेगा 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस निकलेंगे, ठीक है, फॉर एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आपके पॉइंट्स याद होने चाहिए एंड विद इन 1 or 2 लाइन्स यू नो हाउ टू एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स. ओके सो लेट्स स्टार्ट. Process management. An operating system manages the work of the processor by allocating various jobs to it. It also ensures that each process and application receives enough time by the processor to function properly. That much is enough. For our information means, kya? कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैनेज करता है, लाइक मेरा प्रोसेसर क्या होता है, मेरा सीपीयू, कि मेरे सीपीयू के पास क्या चाहे, हर क्या काम देना है, किसको देना है, लाइक एएलयू को देना हमने जो पीछे पढ़ा था, या फिर मेरे को सीयू को देना है, एमयू को देना है, मुझे किसको क्या काम देना है, ये सब क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा. ओके एंड देन वो ये भी देखेगा कि जो मेरा प्रोसेसर है वो इनफ टाइम दे रहा है ना हर एक चीज़ को, मीन अगर सेव करने के लिए उसको 2 सेकंड चाहिए तो वो 2 सेकंड उसको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, लाइक दिस. लाइक मुझे पोहा बनाना है, मुझे 10 मिनट तो चाहिए ही चाहिए, राइट. अब ये तो होगा नहीं कि मैंने पोहा खोला और इसे लाइक गिली गिली छू गया और वो हो गया काम, राइट. जस्ट लाइक दैट, कि हमें ये चीज़ वो मैनेज करना चाहिए कि उसको वो इतना टाइम मिले. लाइक आपको एग्जाम में हम टीचर्स इनविजिलेटर्स इसलिए होते हैं ताकि आपको 3 आवर्स प्रॉपरली मिले, आप ठीक है उसमें काम प्रॉपरली कर सके, किसी भी बच्चे को कोई भी टाइम कम ना मिले, इसलिए कॉन्टिन्यूस बेल भी होती है आफ्टर एंड कम्प्लीट 1 आवर. ओके लाइक दिस. नाउ मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स आपकी मेमोरी अच्छे से काम करेगी. ओके एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द शेयरिंग ऑफ इंटरनल मेमोरी अमंग मल्टीपल एप्लीकेशंस. मीन्स हर एक मेमोरी को अच्छे से मेमोरी मिल रही है या नहीं मिल रही जितनी उसको चाहिए. इट ऑल्सो टेक केयर ऑफ अ फैक्ट दैट वन प्रोसेसर शुड नॉट कंज्यूम द मेमोरी एलोकेटेड टू अदर प्रोसेसर. मीन्स लाइक जैसे क्या होता है, भाई बहन होते हैं तो ठीक है, 2 अलमीरा दे दी, लाइक एक ही अलमीरा के 2 पार्ट्स किए हुए हैं. सो एरिया डिवाइडेड है कि इस एरिया में भाई लाइक आपकी बुक्स होंगी, दूसरे एरिया में आपके भैया की बुक्स होंगी. भाई वो एरिया क्रॉस नहीं होना चाहिए, मींस जो आपको जितना मेमोरी मिला ना उतने मेमोरी में अपना डाटा सेव करो, दूसरी एप्लीकेशन का आप डाटा नहीं ले सकते हो या स्पेस नहीं ले सकते हो. सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है और सबको बराबर से मिले ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है, राइट. तभी तो आपके पास मैसेज आता है नॉट एनफ मेमोरी, राइट. सो डिलीट सम डाटा और समथिंग एल्स, तभी आपके पास ये सब क्या आते हैं, मैसेजेस आते हैं. ओके नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन विच इज डिवाइस. ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. इट रिसीव्स द रिक्वेस्ट फ्रॉम द टीस डिवाइसेस. हमने इसके बारे में बात किया था, लाइक ड्राइवर इंस्टॉलेशन. ओके लाइक हमें क्या करना होता है, लाइक प्रिंटर के लिए मुझे ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तभी मैं क्या कर पाती हूँ, अपने प्रिंटर को यूज़ करने पाती हूँ. इसीलिए लिखा है कि ये कंट्रोल कर सके कि आपका कौन सा इनपुट डिवाइस आया हुआ है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, मुझे उसके ड्राइवर्स को क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, सो दैट मैं उसको अच्छे से यूज़ कर सकूँ, फंक्शनिंग कर सकूँ, उनको टास्क परफॉर्म करने के लिए दे सकूँ. नाउ फाइल मैनेजमेंट, यू नो मीन्स आपकी फाइल्स को सबको क्रिएशन, डिलीशन, अपडेशन, इन सब चीज़ों को एक अच्छे वे में करना, ठीक है ना. मीन्स अगर फाइल्स, सपोज मैं डॉक्यूमेंट बना रही हूँ तो मेरे डॉक्यूमेंट फोल्डर में डिफॉल्ट जाके सेव होने चाहिए, मैं पिक्चर सेव कर रही हूँ मेरी पिक्चर फोल्डर में जाके सेव होनी चाहिए, मैं अगर डिलीट कर रही हूँ तो मेरी रिसाइकल बिन में जाएगी, शिफ्ट डिलीट कर रही हूँ तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएंगी. इन सब चीज़ों को कौन मैनेज करेगा, वो भी मेरा क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा. ओके नाउ सिक्योरिटी. व्हाट इज सिक्योरिटी? Security operating system provides various techniques which assures that integrity and confidentiality of a user's data. Means आपका data safe है, एक जगह पे है, कहीं गुम नहीं होगा. इस चीज़ को भी क्या करेगा, मेरा operating system ही manage करेगा. Okay, means आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ 4 points याद कर लीजिए. Enough. Protection of unauthorized access, protection against instruction of keeping in a firewall active. Means firewall एक आपका क्या होता है, एंटीवायरस होता है, मीन्स अगर कोई वायरस आपके सिस्टम में आ रहा है तो. ओके प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मैलिशियस एक्सेस ऑफ सिस्टम मेमोरी, मीन्स आपका एक अलग तरीके से नॉट गुड वे में मेमोरी का यूज हो जाना. डिस्प्लेइंग मैसेज रिलेटेड टू सिस्टम वल्नरेबिलिटीज. अब आपका क्या है, आप ये
मेलेलियस एंड वर्नेबिलिटीज का मीनिंग खुद सर्च करेंगे. आपको नहीं क्लियर हो रहा देन यू कैन टेल मी. ओके नाउ एरर डिटेक्शन. ओके अब या तो समटाइम्स हम कुछ काम कर रहे होते हैं एरर्स आते हैं तो उन चीज़ों को भी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ये हैंडल करता है कि किस टाइप का एरर आ रहा है, कि भाई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एरर आ रहा है, मेरा सॉफ्टवेयर पूरा वर्क नहीं कर रहा है, कि भाई बाहर से कोई वायरस आया है या कुछ चीज़ें आई हैं, उस चीज़ को लेके भी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है. इट्स ऑल्सो चेक्स द हार्डवेयर फॉर टाइप ऑफ डैमेज. इन दिस प्रोसेस इट डिस्प्लेज अ नंबर ऑफ अलर्ट्स. मीन्स अगर कुछ भी आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो आपको मैसेजेस, आपके आजकल के जो अपडेटेड सिस्टम है, आपको साइड टू साइड क्या दिखता है, मैसेज दिखता रहता है. ओके नाउ जॉब स्केड्यूलिंग इज जस्ट लाइक आपको किस मतलब सेम टाइम पे कोई काम कर रहे, आप मल्टीपल प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, तो भाई वो किस तरीके से क्या काम होना चाहिए, राइट उस तरीके से आपका सिंपल जॉब स्केड्यूल होना चाहिए. हाउ मच टाइम वो एक आपका प्रोसेसर एक टाइम पे कितना टाइम किस विंडो को देगा. सो ये आपके फंक्शंस थे. ओके लिसन, अगर आपको ना समझ आए वीडियो को एक बार दोबारा रीप्ले करके देखें. ओके देन इफ यू आर स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट देन टेल मी. ओके नाउ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स मीन्स अलग अलग टाइप के. ओके दिस कैन बी योर इम्पॉर्टेंट वन. वट सॉरी लाइक सिंगल यूजर, GUI, multiple and multi-threading and real-time operating system and distributed operating system. Okay, so अब इसमें क्या होता है वो हम कल करेंगे. Okay, yes, कल हम अपने left of topics करेंगे, types of operating system, common use operating system and आपके जो mobiles के लिए use होते हैं. Okay, so तब तक आपको ये सारा complete करना है. मैं आपको back exercise की भी pictures और assignments भेज दूंगी. Then we will just gonna continue it later on. Okay, thank you, stay safe, stay at home.